पीछे बने ब्रॉक लेसनर के ब्रांड न्यू ओपोनेंट रूबी रायट का हुआ है रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉक के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की रॉ हो चुकी खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी भयानक रही। आज की रॉ की शुरुआत की बात की जाए तो वो हुई दोस्तों रैंडी ऑर्टन की एंट्री के द्वारा। तो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आए जहां उन्होंने एक प्रोमो काटा। ये प्रोमो दोस्तों शुरू हो पाता कि लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा बू दे दी और रैंडी ने कहा कि ये चीज मैं नहीं कर सकता। उन्होंने माइक रखा और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन का जाना साफ करता है कि वो किसी भी तरीके से हताहत नहीं हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा हेट पाना चाहते हैं और अब राइवलरी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। बात कर ली जाए रैंडी की एग्जिट के बाद क्या हुआ, तो गाइज रैंडी ऑर्टन की एग्जिट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था लिव मॉर्गन वर्सेस लाना के मध्य मैच। तो इस मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों सेम टू सेम कॉपी था लास्ट वीक के जैसे, और इस मैच के अंदर दोस्तों लिव मॉर्गन ने आसानी से जीत भी अर्जित कर ली। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो काफी ड्रामेटिक था। हुआ क्या कि थीम सॉन्ग प्ले हुआ रूबी रायट का, रूबी रायट का हो चुका है रिटर्न। सभी को लगता है कि रायट स्क्वाड फिर से जुड़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूबी रायट रिंग के अंदर आती है, गले लगने की बजाय लिव मॉर्गन के ऊपर कर देती है हील टर्न। लिव मॉर्गन दोस्तों वहां पड़ी रहती है पिटाई के बाद, और उसके बाद लाना भी उन पर हाथ साफ कर जाती है। तो यहां रूबी रायट और लिव मॉर्गन के मध्य राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। सेम टू सेम दोस्तों एज और रैंडी के जैसे हमें एंगल देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो थी ड्रू मैकइंटायर की एंट्री। तो ड्रू मैकइंटायर ने दोस्तों एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर वो चीज कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर बड़ा है, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर वो उन्हें हरा देंगे। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है मोजो और ड्रू के मध्य मैच। ये मैच दोस्तों जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही खत्म भी हो गया, क्योंकि वहां ड्रू ने अपना फिनिशर यानी कि क्लेमोर किक लगाई और मोजो पिन को नहीं तोड़ पाए। इस तरीके से मैच खत्म हुआ, ड्रू ने आसानी से जीत अर्जित कर ली। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था एक सिक्स मैन एलिमिनेशन मैच। आज दोस्तों जो केविन ओवंस थे वो साथ थे वाइकिंग रेडर्स के, और वो फेस कर रहे थे बड़ी मर्फी और एओपी को। मैच के अंदर दोस्तों होता क्या है कि आईवार खुद को इंजर्ड कर देते हैं और रेफरी उन्हें ले जाता है। वहीं दोस्तों रिंग के अंदर जो दूसरे एरिक है उन्हें लगती है एक सेथ रॉलिंस की कर्ब स्टॉम्प, जो कि आउटसाइड खड़े थे, कर्ब स्टॉम्प लगा के उन्हें अंदर फेंकते हैं और उनकी भी हो जाती है पिन। केविन ओवंस अकेले बचे हुए हैं। केविन ओवंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मर्फी को बाहर करते हैं, अकम को बाहर करते हैं, लेकिन गाइस वो तीसरे मेंबर यानी कि रिजार को बाहर नहीं कर पाते सेथ की बार बार इंटरफेरेंस के चलते। वहां केविन ओवंस मैच लूज कर जाते हैं और यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस की टीम विजय रहती है। इस तरीके से ये थिंग खत्म हुई। बात कीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें अलस्टर ब्लैक एक्शन में देखने को मिले, जो कि फेस के TNA इंपैक्ट के रेसलर यानी कि एरिक यंग को, और उन्होंने गंदे तरीके से इस मैच में उन्हें हरा दिया, ब्लैक मास्क लगाया और उनकी हो गई पिन। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो थी हम्बर्टो करिलो की एंट्री। तो आज हम्बर्टो करिलो की पिटाई हो गई। हुआ क्या कि हम्बर्टो करिलो रिंग के अंदर आए, जहां उन्हें ज्वाइन की ज़ेलिना वेगा एंड ब्रांड न्यू रेसलर यानी कि एंजल गार्जा। तो एंजल गार्जा का डेब्यू हुआ, वो आए और वहां हमें ये चीज देखने को मिली है कि गाइज एंजल गार्जा काफी पर्सनल गए, और उसके बाद हम्बर्टो ने उनके ऊपर अटैक की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्होंने उन्हीं की पिटाई कर दी। एंजल गार्जा ने अंदरादे के जैसे हमरलॉक डीडीट लगाई, और उसके बाद वो उन्हें बाहर भी लगाने वाले थे कि वहां रे मिस्टीरियो की एंट्री हो गई और हमें देखने को मिला है रे मिस्टीरियो वर्सेस एंजल गार्जा। तो ये मैच दोस्तों काफी बेहतरीन था, लेकिन गाइज इस मैच के अंदर ये चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि जो एंजल गार्जा है वो डीडीटी लगाने में कामयाब रहे आउटसाइड रे मिस्टीरियो को। रेफरी ने कैंटी बजा दी क्योंकि वो सतह के ऊपर लगी थी यानी कि सतह उधार के लगी थी, तो रेफरी को लगा कि यहां डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। रे मिस्टीरियो विनर तो बने, लेकिन अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। बात कर लीजिए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों शाओलेट फ्लेयर का प्रोमो। तो शाओलेट फ्लेयर की तरफ से आज एक प्रोमो देखने को मिला। दरअसल ये प्रोमो इसलिए था क्योंकि शाओलेट अपने ओपोनेंट का नाम बताने वाली थी, लेकिन इसके अंदर वो ये चीज कहती है कि वो बेली को हरा चुकी है, वो बैकी को हरा चुकी है, 10 बार चैंपियन रह चुकी है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि उन्हें अचीव करनी है कि तभी वहाँ आ जाती है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली ये चीज़ कहती हैं कि देख शाओलेट, तैने हराया होगा इन दोनों को, लेकिन तूने मुझे नहीं हराया और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे चैलेंज करे रॉयल रंबल अपॉर्चुनिटी के तहत। जिस पर दोस्तों शाओलेट कुछ नहीं कहती, वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हुई है रॉ के अंदर वो था बॉबी लैशली का प्रोमो। तो बॉबी लैशली बैकस्टेज एक प्रोमो काटे, वहाँ दोस्तों वो ये चीज़ बोले कि WWE के अंदर आने का उनका एक ही मोटिव था, वो था ब्रॉक को फेस करना,
और आज वो उस मोटिव को पाके ही रहेंगे। आज उनकी फाइट है सेथ और रिकोशे के खिलाफ और उसमें वो उन दोनों को मात देंगे और फिर सुपर शोडाउन में ब्रॉक को हराएंगे और फिर आगे जाएंगे, फिर ड्रू को भी हराएंगे। ये सब उनका कहना था और यहाँ दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बॉबी लैशली ने कह दी थी। बात कर ली जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस बॉबी लैशली के इस प्रोमो के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली वो था आस्का का मैच। तो आस्का आज फेस की नटालिया को। ये मैच दोस्तों काफ़ी बेहतरीन था, बहुत अच्छा ओवेशन इस मैच को मिला, काफ़ी अच्छे लोग इसे ट्रीट किए। मैच की बात की जाए, मैच के अंदर कई ऐसे मोमेंट्स थे जो कि बढ़िया थे। एंड की बात की जाए, एंड दोस्तों इस तरीके से हुआ कि आस्का ने अपना लॉक लगाया वहाँ नटालिया को और नटालिया ने टैप आउट कर दिया। इस तरीके से मैच खत्म हुआ है। मैच के बाद की बात की जाए तो गाइस मैच के बाद जो थिंग देखने को मिली वो ये थी कि आस्का ने भी एक प्रोमो काटा। पहले तो जैपनीज में कुछ बोली, उसके बाद उन्होंने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। वो ये चीज़ बोली कि वो बैकी के खिलाफ एक रीमैच चाहती है। अब जैसे ही उन्होंने ये चीज़ कही वहाँ देखने को मिली है बैकी लिंच की कूल वाली एंट्री। बैकी लिंच चश्मा लगाकर आई थी रिंग के अंदर और वहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही कि देख आस्का मैं तुझे पहले भी हरा चुकी हूँ लेकिन दो बार तेरी तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसीलिए मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। जैसी ये थिंग हुई वहाँ कायरी सेन जो है पीछे से हमला करने लगी बैकी के ऊपर। बैकी ने दोस्तों कायरी सेन को पीट दिया और उसके बाद वो ये चीज़ बोली कि देखो मुझ में सुपर पावर्स भी आ गई और वो वहाँ से निकल गई। तो यहाँ दोस्तों बैकी लिंच वर्सेस आस्का हो गया है कन्फर्म और हमें अगले हफ्ते देखने को मिलने वाला है रॉ की वुमन चैंपियनशिप, वहाँ दाव के ऊपर होगी। इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली रॉ के अंदर वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। लेकिन उससे पहले दोस्तों सेथ ने एक प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि मैं इकलौता प्राणी हूँ इस विश्व के अंदर जो कि ब्रॉक को हराया और फिर से मैं ऐसा करूँगा, आज का मैच जीतूंगा और सुपर शोडाउन के अंदर ब्रॉक को हरा कर फिर से चैंप बनूंगा। ये कहना ही था कि वहाँ रिकोशे आ गए और उसके बाद आगे बॉबी लैशली। मैच हो गया स्टार्ट। अब मैच की बात की जाए, मैच के अंदर दोस्तों हमें पहले तो सारी थिंग्स सही तरीके से देखने को मिलती है लेकिन उसके बाद वहाँ मुश्टंडे आ जाते हैं सेथ के, यानी कि एओपी और बड़ी मर्फी। और गाइस जैसे ही वो आए उन्होंने पिटाई करनी स्टार्ट कर दी लैशली की और रिकोशी की और हमें देखने को मिल गई केविन ओवंस की एंट्री। केविन ओवंस सबसे पहले दोस्तों टेकआउट किए बड़ी मर्फी को, उसके बाद वाइकिंग रेडर्स के जो एरिक है जो कि इंजर्ड नहीं थे वो भी आ गए और वो उन सभी को पीटते पीटते बाहर ले गए। मैच अब क्लीन तरीके से होना था। मैच की बात की जाए तो मैच में दोस्तों अंत इस तरीके से आता है कि सेथ रॉलिंस को लगती है एक सुप्लेक्स जो कि लगाते हैं रिकोशे और लैशली मिलके टॉप रोप से, सेथ बाहर गिर जाते हैं। वहीं रिकोशे ने लगा दिया 630 बॉबी लैशली को। बॉबी लैशली पिन को नहीं तोड़ पाए, रिकोशे बन गए ब्रांड न्यू नंबर वन कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप। तो अब दोस्तों जो मैच होने वाला है वो होने वाला ब्रॉक वर्सेस रिकोशे के मध्य। लेकिन यहां रॉ का अंत नहीं होना था क्योंकि हमें देखने को मिली उसके बाद द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री। ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आए और उन्होंने आते ही सार F5 धर दिया रिकोशे को। तो इस तरीके से हुआ है रॉ का ऑफिशियल अंत। और गाइज अब मैच बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुका है, इसका दोस्तों बिल्डअप भी हम पहले से देखे हैं जहाँ दोस्तों हमने देखा था कि ब्रॉक ने एक लो ब्लो लगाया था रिकोशे को रॉयल रंबल से पहले। रॉयल रंबल के अंदर भी दोस्तों रिकोशे ने लो ब्लो लगाया था ब्रॉक को जिसके तहत ड्रू मैकइंटायर ने उन्हें बाहर किया था। यहाँ दोस्तों सुपर शोडाउन के अंदर मैच होने वाला है 27 फरवरी को, काफ़ी मज़ा आएगा। देखते हैं दोस्तों रिकोशे वहाँ कैसा कमाल करते हैं। हालांकि दोस्तों वहाँ चांसेस कम रहेंगे रिकोशे के, लेकिन गाइज देखने में मजा आएगा। बात कर ली जाए गाइज रॉ के बाद की, तो गाइज रॉ के बाद की जो बात है वो ये है कि अगली स्मैकडाउन के अंदर एक और सुपरस्टार अपना रिटर्न करने जा रहा है जिसका नाम काफ़ी बड़ा है और वो कोई और नहीं, वो है बिल गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग दोस्तों अगली स्मैकडाउन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां WWE इस तरीके से एडवर्टाइज कर रहा है हुज नेक्स्ट, यानी कि गोल्डबर्ग भी सुपर शोडाउन के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। अब देखते हैं किसको वो चैलेंज करते हैं। पर गाइज आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा पसंद आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर। दोस्तों ठहर जाइए, शब्बा खैर के बाद अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। तो जिस तरीके से आज हमने फेस कैम किया है, क्या उसी तरीके से आपको फिर से फेस कैम चाहिए? इस सवाल में वीडियो के अंदर पूछना भूल गया था। तो गाइज अगली शनिवार को स्मैकडाउन भी होगी और स्मैकडाउन के ऊपर भी क्या आपको इसी तरीके का फेस कैम चाहिए? ये सवाल मेरा पर्सनल है, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। तो इसे दोस्तों मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अब फाइनल दोस्तों वीडियो इतनी थी, तो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही,
धन्यवाद, शुभ खैर।